गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था। और आज पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस, दादाजी ने अपना चश्मा खो दिया, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया था। आज हमें इसका वर्कबुक कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडपा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, अधिकतर क्या करते रहते थे, वो रीडिंग करते रहते थे। ग्रैंडपा टोल्ड बाला डैश टेल्स ऑन वीकेंड्स, वीकेंड पर क्या सुनाएंगे, फेरी। ग्रैंडपा थॉट डैट हिज डैश वॉज टेकिंग लीव ऑफ हिम, मेमोरी। वन डे ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज डैश ऑन द फ्लोर, क्या गिर गया था, ग्लास। बाला श्रीक्ड एज सी रन आउट ऑफ द रूम, ओके। आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये है, ग्रैंडपा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रीडिंग, अधिकतर वो क्या करते थे, रीडिंग करते थे। ग्रैंडपा टोल्ड बाला डैश टेल्स ऑन वीकेंड, तो इसमें क्या करने वाले थे, वो फेरी सुनाने वाले थे। यू आर द डैश पर्सन इन आवर होम, लवलीएस्ट। ग्रैंडपा लुक्ड डैश विदाउट हिज ग्लास, स्ट्रेंज। ग्रैंडपा थैंक्ड बाला एंड प्रोमिस्ड हर ए डैश स्टोरी, न्यू स्टोरी, ओके। इस तरीके से हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया है। आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स। बाला डिड नॉट लाइक ग्रैंडपा, फॉल्स। ग्रैंडपा डिड नॉट राइट एवरी डे, ये भी हो गया फॉल्स। वन डे ग्रैंडपा राइट एवरी डे, हाँ ये है ट्रू। बाला बॉट टू सूलेस एंड टाइड देम टू आइदर साइड ऑफ द क्लास, ट्रू। ग्रैंडपा विस्ट बाला, इट इज ऑल्सो ट्रू, ओके। नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, दे आर ओनली 5 क्वेश्चन, तो इस 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सर पहला है हु ऑफ हेन लॉस्ट हिज क्लास, इस तरीके से 5 क्वेश्चन हैं। तो हमने इसका आंसर पहले ही एक पन्ने पर, एक पेज पर जो है लिख करके तैयार रखा है। आप लोग इसे देख करके जो है अच्छे से जो है फेयर कर लीजिए, और जब फेयर कर लीजिएगा तो आपको याद भी करना है, ओके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद आता है मैचिंग, जो कि वोकेबलरी पर्सन है, ठीक है, वोकेबलरी प्रैक्टिस का जो एक पार्ट है। तो मिलान करते हैं, मैचिंग करते हैं। ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट, आखिर अधिकतर वो क्या लॉस्ट करते थे, ग्लास को। ही ऑलवेज कैप्ट, ओके, तो ही ऑलवेज कैप्ट ए हीप ऑफ बुक्स। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, इट डिस्टर्ब्ड हिज रीडिंग, इट डिस्टर्ब्ड हिज रीडिंग। ग्रैंडपा वोर ए हैट ऑफ ग्लास। नाउ नेक्स्ट, फिल इन ब्लैंक्स विथ ईच आर और एम, ईच आर और एम इसमें फिल करना है, ओके। तो नैनी, नैनी डैश ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर एक ही लड़की है इसलिए इसमें, और वो भी थर्ड पर्सन है तो इसमें ईज का प्रयोग होगा। दोज आर बॉक्सेस, दोज इसमें आर हो जाएगा। आई डैश मेली, आई के साथ एम का यूज होता है। दे कैप प्लूरल शो कर रहा है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। ही थर्ड पर्सन है तो इसके साथ इज का यूज होगा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर जी, फाइंड द ओड वन आउट, इसमें से जो ओड है उसको हटा देना। टोमेटो पोटैटो गुआवा ब्रिंजल, इसमें देख रहे हैं ज़्यादा एक दो और तीन जो है सो वेजिटेबल है, जबकि गुआवा क्या है, फ्रूट है। तो ये हो गया हमारा ओड वन आउट, इसी को लिखना है इसमें, जी यू ए वी ए, ओके। इस तरह से आप भी इसको इसमें से एक ओड निकाल सकते हैं, टाइगर डॉग लायन पीकॉक, ये सब एनिमल है और ये क्या है, बर्ड है, ओके। तो इसे लिख देना है इसमें। इस तरीके से जो है 3, 4, 5, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, आपको बाकी करना है, ओके। आइए देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या कह रहा है, मेक 4 लिटिल वर्ड्स आउट ऑफ हिज
आउट ऑफ दिस बिग वर्ड। इस वर्ड से फोर वर्ड बनाना है तो चलिए बनाते हैं। इसमें हो जाएगा ग्रैंड, उसका फिर पी ए से पा, आर ए एन से रैन, अच्छा पी ए एन डी ए पांडा लिख सकते हैं, पी ए एन डी ए पांडा। ओके नेक्स्ट कंप्लीट द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर्स। इस डॉट्स को मिला लेना है ठीक है, और इसे पिक्चर बनेगा तो उस पिक्चर को भी कलर कर देना। इस तरीके से जो है सो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है आपको इसका फेयर करना है, क्वेश्चन आंसर को याद करना है, और जो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। ओके तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।